वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन न्यूज में। और आज जिस तरीके से अगर हम कह सके कि बिहार विधानसभा में आज इतिहास में काला दिन देखने को मिला है, सदन में कार्यवाही जिस तरीके से आज क्योंकि हो नहीं पाई है, गरिमा को भंगित किया गया है विपक्ष की ओर से, आप किस तरीके से इसको देखते हैं प्रेम रंजन पटेल जी? देखिए, आपने ठीक कहा कि पूरी तरह से गरिमा को भंग किया गया है और ये विधानसभा के इतिहास में इस प्रकार का कभी कोई चीज नहीं हुई थी कि इस प्रकार का काम करना, कि जिस प्रकार से सदन के अंदर में जो ऐसे लोगों ने हंगामा किया, आवारागर्दी किया, गुंडागर्दी किया, उसी तरह से सड़क पर भी आकर कर करके उसी प्रकार का काम किए हैं। उन्होंने पत्थर चलाए हैं। प्रेम रंजन जी, विधायकों को घसीट घसीट के पुलिस ने निकाला है वहां से, और आप खुद पूर्व में विधायक रह चुके हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विधायक को माननीय सदस्य वो भी सदन के हैं और इस तरीके से उनको घसीट घसीट के निकाला गया है, आप भी विधायक रह चुके हैं, आप किस तरीके से देखते हैं प्रेम रंजन जी इस चीज को? सदन के अंदर में इस प्रकार का व्यवहार करना ये कहीं से उचित नहीं है। सदन तो केवल जो ऐसे समस्याओं के निदान के लिए है। आपकी अगर कोई जो ऐसे बातें हैं, कोई राज्य की है, कोई क्षेत्र का है, तो उन बातों को आप तो सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। वहां से कानून बनता है, वहां से नियम कायदे कानून बनते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है से सारे चीजों को ताक पर रख दिया, पूरे जो है से तार तार कर करके विधानसभा की गरिमा को रख दिया। कहीं कुछ नहीं जो है से इस प्रकार का मेज पर चढ़ कर करके कुर्सी लगा कर करके बैठना ये अपने आप में है। ऐसे लोगों की सदस्यता को समाप्त करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। या ऐसे लोगों का स्थान सदन के अंदर में नहीं है, ऐसे लोगों का स्थान सड़कों पर है आवारागर्दी करने के लिए। सदन के अंदर में किसी प्रकार का आवारागर्दी या गुंडागर्दी ये कतई जो है से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सदन के अंदर में आते हैं और वहाँ क्या मैसेज जाएगा, कैसे लोगों को जो है से जनता चुन कर करके भेजती है, ये पूरा जो है से इतिहास साक्षी है, देख रहा है। और पूरी जी, तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।